सो वी गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज अपनी जो वीडियो है इसमें फिर से अपन निकल पड़े घूमने घूमने वापस निकल पड़े हैं। और कहाँ जा रहे हैं इस बार? जा रहे हैं गोवा। चलो बाकी थोड़ा सोचा था कि सस्पेंस वगैरह रखूँगा, पहले वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पहले भी नहीं बना पाया इस बारे में कि जो सारे मैं काम वाम कर रहा था ना जाने से पहले यहाँ पे, तो पर कुछ बैठा नहीं तो अभी निकला। और इतना मुश्किल से इस बार पैकिंग हुई है, बहुत दगो जहत, लिटरली इस बार तो इतनी दगो जहत करके जो मैंने है ना कि इतनी मुश्किल से ही बैग बैग पैक किया, काफ़ी सारा सामान डाल दिया। पिछली बार जब गोवा गया था तब तो वीडियो बनाता नहीं था मैं, इतने व्लॉग वगैरह तो कुछ बनाता नहीं था। पर कोशिश तब यही की थी कि मैंने सोचा कि मैंने सारी आउटफिट्स हैं अपने अपने तो इनको अपन अलग अलग जगह उस हिसाब से पहन लेंगे, बट वो इतना बैक फायर किया था ना, कुछ समझ ही नहीं आया क्या पहनूं क्या करूं। तो इस बार मैंने एक तो बैग बढ़ा लिया और दूसरा मैंने काफ़ी सारा सामान एक्स्ट्रा ही रख लिया है, जूते वूते भी मैंने सारे मतलब एक्स्ट्रा रख लिए कि कोई दिक्कत आए ना चप्पलें अपने और एंड एवरीथिंग। मैंने 11:20 की अपनी फ़्लाइट है, अभी टाइम क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। टाइम अभी हुआ है 9 बज रहे हैं, तो अपन लेट हो रहे हैं निकलने के लिए 9 बजे, क्योंकि ऑलरेडी तो लेट तो अपने हो जाएंगे क्योंकि 11:20 की फ़्लाइट है, तो 10 बजे तक से पहले अराउंड 10 बजे पहुँचेंगे। अभी पता नहीं ट्रैफिक कितना मिले, तो बस अब लेट हो रहे हैं। चलो नीचे कैब भी आ गई है, बाकी अभी चलते हैं आगे और आगे देखते हैं जर्नी कैसी है। आता नहीं सीएनजी वाली में ना पीछे। हाँ जी, पेट्रोल में चला नहीं सकते। आगे रख दो कोई बात नहीं। पहुंच गए एयरपोर्ट, ठंड बहुत रखी है इधर तो, फ्लाइट गई है, ट्रैफिक भी पूरा हो रहा है। अरे भाई ने ऐसी चलाई है ना गाड़ी, ये हरियाणा रोडवेज स्पीड इतनी ओके ना, जाके इतनी देर बाद जाके बोर्ड के पास निकला मेरा और सीट से ले लिया हमेशा की तरह। सिक्योरिटी पार करके आया हूँ अभी, बस टाइम अभी 10:15 हुए हैं, लगभग आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो टाइम तो है अभी काफ़ी। बाकी रात के टाइम तो सुनसान ही है वैसे, तो थोड़ी बहुत कोई एक तो फ्लाइट है जिसकी भीड़ हो रखी है, बाकी तो खाली भरा। चलो गेट अपना शायद M1 है, वहाँ चलते हैं। ठंड हो रखी है जयपुर एयरपोर्ट में बहुत, एक दो दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंडक पड़ गई है, तो अभी फाइनली बोर्ड कर लिया प्लेन। और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 11:15 हो रहे हैं, 11:20 का टाइम होगा। और देखो एक्सेल सीट का टाइम है, आप मत रहे हैं यार, रिक्वेस्ट करने का क्या नहीं हो जाता। चलो तो जी फाइनली पहुंच गया मैं गोवा, आपने देखा था रात को मैंने वो बोर्ड की डाल पाया, उसके मतलब मैं डाल नहीं पाया कुछ भी, मतलब वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली हुआ ये कि इतनी वो हॉच पॉच हो गई थी ना कि गाड़ी वाड़ी भी ली मैंने एक इनमें सेल्फ, जो सेल्फ डिपेंडेंट की कार होती है वो भी मैं दिखा दूँगा आपको लोगों को अभी थोड़ी देर बाद। तो वो गाड़ी वाड़ी ली, उसके प्रोसेस में उसके वीडियो वीडियो बनाने होते हैं और उसको पैसे वैसे दिए सारे, जो भी सारी चीज़ें थी इस वजह से कुछ बना ही नहीं पाया मैं वॉक पर। फिर इतने थक गया था ना यार रात को, और ये देखो ओवरकास्ट सा मौसम है यहाँ, मतलब धूप भी नहीं है पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ये जहाँ जगह रुके यहाँ पे भी आए, मतलब सारा देखा मैं किया इसका, होटल तो अच्छा है, ये वरांडा ऐसा करके कोई जगह है, ये मतलब मस्त विजिट है। चलो बाकी अभी तो सो के उठा था, इतना लेट सोने में 4:30 बज गए थे, तो बस अभी सो के उठा हूँ, अभी नहाऊंगा दूंगा, थोड़ा ब्रेकफास्ट मंगाया है और बस फिर इसके बाद बाहर निकलूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या गाड़ी क्या जगह घूमें ये वो। तो अभी 1:45 टाइम हो रहा है और अब फाइनली नहा धो के तैयार हो गया हूँ मैं, अब जाऊंगा बाहर कहीं। देखो मौसम भी मस्त हो गया है, अभी इतनी धूप वगैरह नहीं है, सही है पर ह्यूमिडिटी है, बट ठीक है अभी बाहर निकलें किसी बीच पर या फिर कैफे वैफे का सोचा प्लान किया है, बस वहाँ जाऊँगा फिर बाकी आपको आगे दिखाऊँगा। तो देखो ये गाड़ी ली है अपन ने, ये इनसे मैंने पिछली बार भी मैं आया था ना जब गोवा दोस्तों के साथ, तब भी मैंने इनसे ही रेंट पे ली थी गाड़ी,
तो ये इस बार इन्हें ये स्विफ्ट दी है मेरे को, क्योंकि वो लास्ट टाइम वाली बलिनो ली थी हमने, वो थी नहीं इनके पास अवेलेबल। तो इस टाइप की कुछ गाड़ी है, बाकी चलते हैं। इसमें फ्यूल व्यूल भी नहीं है, रात को मैंने लगा भरवा नहीं, सुबह भरवाऊँगा। अब बस देखो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, चलते हैं अभी आगे कहीं। ये देखो इधर कितने क्राउड आ रखा है, देखो सब स्कूटी बाइक पर घूमने लगे हैं, अपनी गाड़ी में भी ख़त्म हो गया। तो अभी इधर आया हूँ मैं पर्पल मार्टिनी, काफ़ी फेमस कैफे है यहाँ के। ओशन का इतना मस्त व्यू आ रहा है ना इधर का। व्यू देखो कितना मस्त है ऐसा। और ये है पर्पल मार्टिनी, यहाँ से एंट्रेंस है इसके। हाँ जी, तो फाइनली आ गए हैं वापस होटल रूम में, और एयरबीएनबी मैंने एक्चुअली बुक कराया था ये। अच्छा रूम वगैरह का तो मैंने आपको टूर सुबह दूंगा यार। अब एक्चुअली क्या हुआ कि आए थे ना कल, तो रूम इतना गंदा हो रखा है, आज क्लीन करवाया नहीं, तो कल मैं अच्छे से जब क्लीन करवा दूंगा ना रूम को, उसके बाद आपको रूम का बढ़िया सा टूर दूंगा। और ये देखो इस टाइप का कुछ माहौल हो रखा है, दिख नहीं रहा होगा अंधेरे में, इधर पूल वूल है इनका, बढ़िया है, खाना पीना भी अच्छा है, डिसेंट इनफ है। और मैं यार उधर पर्पल मार्टिनी में भी इतना शोर हो रहा था ना, तो ज़्यादा व्लॉग वहाँ कर नहीं पाया, लोग भी बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद बीच गया था, अब जब तक बीच गया ना इतना सर दुखने लगा कि कुछ कर ही नहीं पाया यार मैं व्लॉग बिल्कुल भी। अब देखो अब मेडिसिन ली है मैंने, वैसे तो अभी तो वैसे टाइम घड़ी तो पहन नहीं रखी, क्या देखो टाइम, बट अभी 7 बजे हैं टाइम तो। और अभी थोड़ा सा सोच रहा हूँ नहा लूँ, चेंज वेंज कर लूँ, फिर देखते हैं रात का कुछ प्लान बने तो कहीं किसी अच्छी जगह जाने का, लाइक थलासा या फिर लास उलास या जैसे कोई भी जगह देख रहे हैं अभी, कौन सी जा सकते हैं, कौन सी बढ़िया रहेगी। और ये है भी अंजुना में है, तो अंजुना में क्या है, अंजुना नॉर्थ में आ गया, तो नॉर्थ में सारे आसपास ही हैं इधर, आप बागा चले जाओ, वैगट और ये सारे आरंबोल सब आसपास हैं। तो इधर जितने भी क्लब्स कैफे वगैरह है ना वो भी अच्छे हैं, क्योंकि झूला यहाँ दे दिया ना, ये झूले में तो मैं पूरे टाइम यहीं पड़ा रहता हूँ। चलो बाकी मिलता हूँ आगे, ना धो के चेंज करके देता हूँ, कहाँ जाते हैं कहाँ बनते हैं वही प्लान बताऊँगा आपको।